Hey everyone, this is Nisha and welcome back to another part of Banjara Market. वीडियो में आप लोग साथ शेयर कर रही हूँ बंजारा मार्केट का लेटेस्ट कलेक्शन जो स्पेशली इस फेस्टिव सीजन में इस मार्केट में आया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए। दिवाली फेस्टिव सीजन में आप लोगों को इस मार्केट में लाइट्स और लैंप्स की काफी अच्छी वैरायटी देखने के लिए मिलेगी। कुछ आप लोगों को ट्रायंगल शेप, स्क्वायर शेप के अमेजिंग डिजाइन्स में लैंप्स देखने के लिए मिलेंगे और इनका प्राइस मिनिमम जो स्टार्ट हो रहा था 1000 रुपीज से स्टार्ट था, डिपेंड कर रहा था इनके साइज पर। अगर आप लोग इस टाइप के लैंप सिंगल लाइट के साथ लेते हैं तो वो आप लोगों को काफी कम कॉस्ट करेंगे। इनके अलावा इस मार्केट में आप लोगों को काफी एंटिक और मॉडर्न डिजाइन के भी लैंप देखने के लिए मिलेंगे जिनका मिनिमम प्राइस स्टार्ट होता है 500 रुपीज 1000 रुपीज से। काफी वैरायटी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में आगे शेयर करी है, आई होप आप लोगों को ये वैरायटी पसंद आएगी। इस टाइप के लैंटर्न्स एंड कैंडल स्टैंड्स आप लोगों को मार्केट में काफी वैरायटी में देखने के लिए मिलेंगे और जिन मटेरियल से ये बने हुए होते हैं लाइक वुड, एल्युमिनियम एज वेल एज आयरन, सभी वैरायटी आप लोगों को इस मार्केट में काफी इजीली मिल जाएगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इनके प्राइसेस जानने में तो आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर आई का आइकन नजर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने प्राइसेस को कंपेयर किया है ऑनलाइन प्राइसेस के साथ, आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिलेगा ऑनलाइन प्राइसेस में और इस मार्केट के प्राइसेस में कितना डिफरेंस है। बट इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगी, इस मार्केट में फेस्टिव सीजन में प्राइसेस काफी हाई हो जाते हैं। अगर आप लोगों के बार्गेनिंग स्किल्स अच्छे नहीं है तो प्लीज फैमिली के किसी ऐसे मेंबर को लेकर आइएगा अपने साथ जिसके बार्गेनिंग स्किल्स काफी अच्छे हैं, उससे आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी इस मार्केट में शॉपिंग करने के लिए। हैप्पी ईस्टर, मैरी क्रिसमस के भी काफी अच्छे कैंडल स्टैंड देखने के लिए मिल जाते हैं इस मार्केट में। अगर आप लोग कुछ डिफरेंट डिजाइन की वॉल आर्ट एंड शोपीसेस देख रहे हैं तो उसका कलेक्शन भी काफी अच्छा मिलता है इस मार्केट में। आयरन के अलावा इस मार्केट में वुड से बने हुए भी काफी अच्छे शोपीसेस मिलते हैं। इस टाइप का कलेक्शन आप लोगों को स्पेशली किसी शॉप पर या स्टूडियो में देखने के लिए मिलता है जो पर्टिकुलरली डील करते हैं इन स्पेशल आइटम्स में लाइक एंटीक डिजाइन में। उन शॉप्स पर इस टाइप का कलेक्शन काफी कॉस्टली मिलता है, बट अगर आप लोग बंजारा मार्केट आते हैं तो आप लोगों को स्पेसिफिकली डील नहीं करनी पड़ेगी किसी भी शॉप से या स्टूडियो से, आप लोगों को बेसिकली इस टाइप के आइटम काफी इजीली मिल जाते हैं और काफी रीजनेबल प्राइस में। वुड से बनी हुई पॉटरी भी इस मार्केट में मिलने लग रही थी लाइक बाउल, लार्ज साइज बाउल एज वेल एज ट्रे, और लकड़ी से बने हुए बाउल का जो प्राइस था इस मार्केट में 80 रुपीज से स्टार्ट था एंड जो ट्रे मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करी है उसका प्राइस उन्होंने डिमांड किया था 300 रुपीज, और इनकी क्वालिटी एज वेल एज इनकी फिनिशिंग भी काफी फाइन थी। बंजारा मार्केट में सेरामिक पॉटरी का कलेक्शन काफी अच्छा मिलता है, अगर आप लोग देखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के पार्ट वन को आप लोग देख सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ प्राइसेस के साथ इस मार्केट का काफी अच्छा कलेक्शन शेयर किया है। अगर आप लोग कुछ अदर आइटम देखने में इंटरेस्टेड है इस मार्केट के तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस बार मुझे टेराकोटा से बने हुए कुछ ब्यूटीफुल आर्ट पीसेस भी देखने के लिए मिले, और बात करें इनके स्टार्टिंग प्राइस की तो इनका मिनिमम प्राइस स्टार्ट था 500 रुपीज से और डिपेंड कर रहा था इनके साइज पर और इनके कलर पर। अगर आप लोग डिफरेंट कलर के कुछ आइटम खरीदते हैं तो उनका प्राइस उनके अकॉर्डिंग था। दिवाली सीजन में आप लोगों को इस टाइप के आर्ट पीसेस अदर मार्केट्स में भी काफी अच्छे देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप लोगों की नियरेस्ट मार्केट में इस टाइप के आर्ट पीसेस मिल रहे हैं तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप लोग अपनी नियर बाय मार्केट से ही खरीदें। इस टाइप के कलरफुल शू ग्लाब भी मिल रहे थे मार्केट में जो टेराकोटा से बने हुए थे। जो स्पेशल चीज मुझे इस मार्केट में देखने के लिए मिली वो थी ये करवा चौथ की थाली जो कुछ ही शॉप्स पर मिलने लग रही थी, और बात करें इनके डिमांडिंग प्राइस की तो उनका प्राइस मांग रहे थे वो 450 और 500 रुपीज। बंजारा मार्केट में इस टाइप के स्टूल्स का कलेक्शन फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला और इनमें काफी वैरायटी मिलने लग रही थी लाइक पफी स्टूल्स, थ्री लेग स्टूल्स। ये स्टूल्स ऑनलाइन हमें काफी इजीली देखने के लिए मिल जाते हैं, बट इस मार्केट में इस टाइप के स्टूल्स का कलेक्शन पहले कभी नहीं देखने के लिए मिला था। और बात करें इनके प्राइस की तो इनका प्राइस काफी चीप था ऑनलाइन प्राइसेस से, 3 लाख स्टूल जिसका ऑनलाइन प्राइस मिनिमम स्टार्ट होता 2000 और 2500 रुपीज से। मार्केट के जो शॉपकीपर इन स्टूल्स का प्राइस डिमांड कर रहे थे वो ओनली जस्ट 1500 रुपीज कर रहे थे सिंगल स्टूल का। अगर आप लोग इनसे पेयर खरीदते हैं तो उस प्राइस में बार्गेन भी करने के लिए वो इजिली रेडी हो जाते हैं। जो स्टूल्स आप अभी देख रहे हैं इनका प्राइस डिफरेंट है, मिनिमम प्राइस इस मार्केट में स्टूल्स का स्टार्ट होता है 500 रुपीज से और जो मैक्सिमम प्राइस जाता है वो 3000 और 4000 रुपीज जाता है।
मार्केट में आप लोगों को फिक्स प्राइस कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप लोग नवंबर या दिवाली के आसपास इस मार्केट में विजिट करते हैं तो प्राइस में आप लोगों को काफी ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। टेबल लैंप एज वेल एज फ्लोर लैंप दोनों में ही वैरायटी काफी अच्छी मिलने लग रही थी। एंड अगेन इनका भी जो बेसिक प्राइस स्टार्ट था 500 रुपीज एंड 1000 रुपीज से स्टार्ट था। राउंड शेप का ये लैंप मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया था बिकॉज इसमें हम मल्टीपल कलर की लाइट लगा सकते हैं और इसके लुक को और भी ज्यादा एनहेंस कर सकते हैं। बट मुझसे पहले इस लैंप को कोई और खरीद चुका था एंड शॉपकीपर के पास इसका अनदर पीस नहीं था। शॉपकीपर ने बोला अगर आप लोग नेक्स्ट वीक आते हैं इस मार्केट में तो आप लोगों को इस लैंप में और भी ज्यादा कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। एंड जो प्राइस कोट किया था उन्होंने वो 2500 रुपीज किया था इस लैंप का। जब शॉपकीपर ने ये प्राइस बताया तो मुझे थोड़ा सा हाई लगा। एंड गाइस सीरियसली मुझे कोई भी आइडिया नहीं है ये किस प्राइस में उन्होंने सेल किया था। ड्रेसिंग मिरर के साथ साथ इस मार्केट में वॉल मिरर्स में भी काफी ज्यादा वैरायटी देखने के लिए मिलती है। जो डिजाइंस इस मार्केट में काफी इजीली मिलते हैं वो मॉडर्न के साथ साथ एंटीक डिजाइंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल इस मार्केट में मिरर नहीं खरीदते बट उनका फ्रेम जरूर खरीदते हैं बिकॉज फ्रेम की इतनी अच्छी वैरायटी मिलती है इस मार्केट में। अगर आप लोग फ्रेम्स के ऑप्शंस जानना चाहते हैं तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं और उस वीडियो में मैंने फ्रेम्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं उनके कुछ आइडियाज भी शेयर किए हैं। इस टाइप के मोजिक लैंप भी इस मार्केट में काफी अच्छे मिल रहे थे और एक शॉप पर इनका काफी अमेजिंग कलेक्शन लगा हुआ था। राजस्थान मार्केट्स में आप लोगों को इस टाइप के लैंप्स काफी वैरायटी में देखने के लिए मिलते हैं। एंड बंजारा मार्केट भी आप लोगों को राजस्थानी कल्चर की याद दिलाएगी बिकॉज मोस्ट ऑफ द आइटम्स इस मार्केट में राजस्थान की मार्केट से आते हैं स्पेशली फ्रॉम जोधपुर। ये लैंप ग्लास के बने हुए होते हैं बट इन पर कलरफुल स्टोन से वर्क किया जाता है। लैंप में जब आप किसी भी टाइप की लाइट या फिर बल्ब लगाकर इसे ऑन करते हैं तो इसमें से काफी कलरफुल लाइट्स निकलती हैं जो काफी वाइब्रेंट लुक दे सकती है आपके रूम को या फिर आप इसे एज अ बैल्कनी लाइट भी यूज कर सकते हैं। इस टाइप के टेबल लैंप्स का जो प्राइस स्टार्ट था वो मिनिमम 400 रुपीज और 500 रुपीज से स्टार्ट था बट इसमें अनदर स्मॉल साइज के भी ऑप्शंस मिलने लग रहे थे जिन्हें आप यूज कर सकते हैं एज अ कैंडल स्टैंड जिनका प्राइस स्टार्ट था ओनली जस्ट 50 रुपीज से। बंजारा मार्केट में डोरमेट्स एज वेल एज कारपेट्स का भी काफी अमेजिंग कलेक्शन आया हुआ था और आप लोगों को काफी अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिलेगा बेड साइड रग्स का। डोरमेट्स एंड कारपेट्स का प्राइस डिफरेंट था। अगर बात करें इनकी स्टार्टिंग प्राइस की तो डोरमेट का जो मिनिमम प्राइस स्टार्ट था 100 रुपीज से, कारपेट एंड जो बेड साइड रग्स थे उनका मिनिमम प्राइस स्टार्ट था 400 एंड 500 रुपीज से और डिपेंड कर रहा था उनके साइज पर। ब्लू एंड व्हाइट कलर का ये डोरमेट मैंने खुद अपने घर के लिए खरीदा है एंड इसकी क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। जो इसका प्राइस उन्होंने डिमांड किया था वो 300 रुपीज किया था बट हमने उनके साथ थोड़ी सी बार्गेन करी और उन्होंने हमें 200 रुपीज में काफी इजीली दे दिया। आई होप आप लोगों को बंजारा मार्केट का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। गाइज आप लोगों को इस टाइप के मार्केट वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। और आप लोग इंटरेस्टेड है किसी अनदर मार्केट का वीडियो देखने के लिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप लोगों ने पहले कभी इस मार्केट में विजिट किया है, इस मार्केट से शॉपिंग करी है तो प्लीज गाइज कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना बिकॉज आप लोगों को ये कमेंट अदर व्यूअर्स के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। चलिए गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना भी ख्याल रखिए और अपनी फैमिली मेंबर्स का भी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।